विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नवगठित ग्राम पंचायत धम्मण लाहड़ में 35 लाख से बनने वाले पंचायत एवं सीएससी भवन का शिलान्यास किया और 30 लाख की लागत से निर्मित होने वाले भिल्ला सरगुणी बाया कुफर मलांदर सड़क का भूमि पूजन किया। धम्मण लाहड़ में लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हर वर्ग का ध्यान रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि उनका अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि हलके में तीव्र विकास के लिए बड़ी पंचायतों का आकार छोटा कर दो दो पंचायतें बनाई गई हैं। धम्मण लाहड़ के भी पंचायत के रूप में अस्तित्व में आने से विकास को गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि ढूक बचवाई भिल्ला और कोना इत्यादि से थुरल की दूरी को कम करने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि भिल्ला सरगुणी सड़क के बनने से इस क्षेत्र से थुरल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर कम होगी। उन्होंने कहा कि थुरल से बचवाई को जोड़ने के लिए सड़क एवं न्यूगल नदी पर पुल निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के कारण विकास की गति थोड़ी कम जरूर हुई है, अब विकास की गति को बढ़ाकर और तेज किया जाएगा। ढूक से घरथू सड़क निर्माण पर 2 करोड़, संतोषी माता मलांदर धरथू सड़क टायरिंग पर 48 लाख, चंगर की विभिन्न सड़कों पर 13 किलोमीटर टायरिंग का कार्य, विभिन्न सड़कों के सुधार और विस्तार पर 75 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के सुधार के लिए जल जीवन मिशन में उठाऊ पेयजल योजना लाहड़ू बछवाई 2 करोड़ 40 लाख रुपए से बनाई जा रही है, जिससे ग्राम पंचायत धम्मण लाहड़ बछवाई और कोना के 25 गांवों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत ढूक में उठाऊ पेयजल योजना ढूक घनियारा 1 करोड़ 4 लाख से निर्मित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के 7 गांवों के लिए सिंचाई योजना ढूक योजना सुविधा के सुधार के लिए भी 98 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं कोई कमी नहीं रखी और इस कमी को मैं आपकी उपस्थिति में, आपकी मौजूदगी में एक गवाह के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अच्छा बढ़िया सुंदर यहां पंचायत घर बनकर के तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो उसका लोकार्पित करने के लिए भी मैं स्वयं आऊंगा। एक बार पुनः बधाई मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ हो रहे हैं सीएससी बछवाई 30 बिस्तरों की का काम भी आने वाले दिनों में पूरा होगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ी बिल्डिंग अस्पताल की थुरल में भी बन करके तैयार होगी। कोना पीढ़ी नालियां सड़क पर टाइलिंग 4 किलोमीटर, बाल रूपी धूप गनियारा सड़क पर टाइलिंग 4 किलोमीटर, थोरल से बछवाई सड़क नवाड़ के अंतर्गत 10 करोड़ रुपया, संतोषी माता मलांदर बतून सड़क की टाइलिंग 4 किलोमीटर करेंगे। बरसात आ गई, गढ़ेला कला सड़क पर टायरिंग 1 किलोमीटर, डूब कला टंबर कोना सड़क पर टायरिंग 1 किलोमीटर, डूब गर्भू सड़क पर टायरिंग 1 किलोमीटर, अंदरौली सड़क सुधार कार्य प्रगति पर 25 लाख, अन्य सड़कों पर मरम्मत 50 लाख रुपए की लागत से हम आने वाले दिनों में करेंगे। और जो